फील ही अलग है। कहाँ से जा रहा हूँ मेरे को पता ही नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा आगे तो भाई। वेलकम टू द मोस्ट फेमस ट्रैक ऑफ इंडिया, वैली ऑफ फ्लावर्स। मैंने डिसाइड किया मैं अपनी लाइफ का फर्स्ट प्रॉपर हिमालयन ट्रैक जो करूंगा वो होगा वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वैलीज में से एक है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ धाम से 25 किलोमीटर पहले पड़ता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिसमें ये ब्यूटीफुल वैली पड़ती है। 1982 में ये नेशनल पार्क बनाया गया एंड 2002 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। जून से नवंबर अराउंड 6 मंथ्स वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैकर्स के लिए ओपन होता है। 8 किलोमीटर लॉन्ग एंड 2 किलोमीटर वाइड ये वैली 3,658 मीटर अबव सी लेवल एल्टीट्यूड पे है। एज द नेम गोज, मॉनसून में ये वैली पूरी फ्लावर्स से कवर्ड हो जाती है एंड यहाँ पर ओवर 600 स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं। मैंने 1,080 किलोमीटर एंड 36 आवर्स इन टोटल ट्रेवल किया ताकि मैं वैली ऑफ फ्लावर्स के बेस कैंप घांगरिया तक पहुँच पाऊँ। 12 घंटे की ट्रेन जर्नी टू देहरादून, अनादर 12 घंटे की बस जर्नी फ्रॉम देहरादून टू गोविंद घाट एंड फाइनली 10 से 12 घंटे का ट्रैक फ्रॉम गोविंद घाट टू द बेस कैंप ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स घांगरिया। क्योंकि ये ट्रैक मैं मॉनसून में कर रहा था, देयर वाज अ चांस के हैवी रेन्स की वजह से मैं ये ट्रैक कभी कंप्लीट ही ना कर पाऊँ। ये अब मेरे हाथ में नहीं पर अब मदर नेचर की मर्जी पे था कि क्या मैं वैली ऑफ फ्लावर्स कभी देख पाऊंगा। शाम होते होते मैं बेस कैंप पहुंच गया। यहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी। आई वॉज वेरी टायर्ड, तो जल्दी डिनर करने के बाद मैं सो गया इस उम्मीद में कि कल मुझे ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेगी। इट्स 6:20 इन द मॉर्निंग, वी हैव स्टार्टेड आवर ट्रैक, वी बोथ आर रेडी। बारिश रात से हो रही है, रुकी नहीं रही है। हमने कहा रिस्क नहीं ले सकते, अब तो चलना ही पड़ेगा। सबसे पहले ब्रेकफास्ट को पैक कराना जरूरी है क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स में आपको कोई फूड शॉप नहीं मिलेगी, इसलिए घांगरिया विलेज से ही आपको फूड पैक कराना होता है। इधर चलेगा वैली ऑफ फ्लावर्स, आजा चल चल, पकड़ता हूँ दरवाजा। फूलों की घाटी 3 किलोमीटर वैली ऑफ फ्लावर्स। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा, एज दिस इज अ नेशनल पार्क, कैंपिंग इनसाइड दिस पार्क इज नॉट अलाउड एंड ड्रोन इज आल्सो नॉट अलाउड। घांगरिया विलेज से वॉकिंग डिस्टेंस पर पड़ता है वैली ऑफ फ्लावर्स का चेक पोस्ट। यहाँ पर एंट्री होती है हर ट्रैकर की एंड इसी चेक पोस्ट से ऑफिशियली वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक स्टार्ट होता है। आपका जो वैली ऑफ फ्लावर्स का परमिट होगा विच इज 150 रुपीज, वो 3 दिन के लिए वैलिड होता है। 4 किलोमीटर पे कच्चा ब्रिज आएगा, वहाँ से वैली ऑफ फ्लावर मेन वैली स्टार्ट होती है। सो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने हमको गाइड किया कि कैसे हम सेफली इस पूरे ट्रैक को कम्प्लीट कर सकते हैं। ऑल्सो चेक पोस्ट ऑफिशियल्स ने हमारे बैग्स भी चेक किए, एज सर्टेन आइटम्स इन साइड वैली इज नॉट अलाउड। ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अस नॉट टू पॉल्यूट द वैली विद प्लास्टिक और एनी काइंड ऑफ वेस्ट, एनी विश्ड अस गुड लक फॉर द डे। सो आप वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए फ्रॉम दिस प्लेस 7 AM टू 12 PM के अंदर नेशनल पार्क के अंदर एंटर कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू देम 5 PM को आपको वापस आ जाना है। 10-15 मिनट ऊपर चलता है ठीक है, बट ऐसे नहीं कि आप एक एक डेढ़ घंटा लेट कर रहे हैं, नहीं तो सर्च पार्टी आपको ढूंढने के लिए ऊपर आ जाएगी। वो जो आप देख रहे हो ना, देट इज घांगरिया विलेज। जो चेक पोस्ट पे ऑफिसर्स ने बोला कि पिछले 3-4 दिन से कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है, तो बी केयरफुल। जस्ट लिसन टू द नॉइज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल, बारिश, फील अलग है भाई साहब, फील अलग है। चेक पोस्ट क्रॉस किए कुछ 800 मीटर्स हुए होंगे एंड वी सॉ दिस ब्रिज क्रॉसिंग विद रिवर फ्लोइंग इन फुल थ्रॉटल। सो ब्रिज क्रॉस करने के बाद क्लाइंबिंग सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। हमें फॉरेस्ट के अंदर से होते होते क्लाइंब करते रहना पड़ता है फॉर नेक्स्ट 2 to 2.5 किलोमीटर। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स हियर मैन, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भाई लोग तुम सब कहाँ से आयो? यूपी से। तो ये ग्रुप भी अपने साथ चल रहा है। कल हेमकुंड, कल हेमकुंड भी मिलेंगे ये लोग। यू कैन सी पीछे बादल बहुत तेज, कितना तेज मूव कर रहे हैं बादल। इतनी तेज बारिश में ट्रैक करते करते बहुत तगड़ी प्यास लगी थी एंड फिर ये दिख गया, एकदम चिल्ड पानी है। स्लाइड जोन, ये सारा रीजन वहाँ से ऊपर से स्लाइड जोन होके सीधा नीचे की तरफ। ये पहली बार हम नीचे उतर रहे हैं, आई थिंक वैली आने वाली होगी। देखो देखो जानम हम ये कहाँ कहाँ आए। ज़ूम। जब मैन वर्सेस वाइल्ड्स देखता था तो बेयर ग्रिल्स को बहुत बार ऐसे पानी भरते देखा था। उस वक्त एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि कभी मैं भी ऐसे पानी कलेक्ट करके पीऊं। बेयर ग्रिल्स वुड बी प्राउड ऑफ मी आफ्टर वाचिंग दिस। दिस इज कॉल्ड ग्लेशियर पॉइंट। आई सॉ द बोर्ड, यू नो, लिखा हुआ था ग्लेशियर पॉइंट एंड पता नहीं दिमाग में क्या आया, सोचा भाई इस वाटरफॉल के अंदर तो जाना ही है, पहले ही इतना भीग चुके हैं थोड़ा और सही। यू नो व्हाट, आई विल स्ट्रिक्टली नॉट एडवाइस दिस, व्हाट आई डिड हियर इज कंप्लीट स्टुपिडिटी। मैं बहुत बुरा बीमार पड़ सकता था
इसकी वजह से। मैं उसके अंदर चला तो गया बट अब ठंड लग रही है और जूतों में खचा खच पानी भर गया भाई साहब। दिस रिवर व्हाट यू सी हियर दिस इज पुष्पावती रिवर। सो पुष्पावती रिवर पूरी वैली ऑफ फ्लावर्स में बहती है। ये रिवर एंड में जाके इवन गंगा रिवर का पार्ट भी बनती है। बोला जाता है पांडवाज यहाँ जब आए तो उन्होंने इस रिवर पर पुष्प फ्लावर्स बहते हुए देखे एंड उसके बाद इस रिवर का नाम पुष्पावती पड़ गया। इसका ओरिजिन टिप्रा ग्लेशियर से होता है जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में ही पड़ता है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स चालू होता है। हम भीगते भीगते फाइनली वैली ऑफ फ्लावर्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए एंड वी वेटेड थोड़ी देर ताकि बारिश रुक जाए एंड थैंकफुली भगवान ने हमारी सुन ली एंड फाइनली नाउ हम ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर्स को एक्सप्लोर कर सकते थे। सो इफ यू कैन सी देयर इज दैट ग्लेशियर दैट इज टिप्रा ग्लेशियर। बहुत लोग आर टर्निंग बैक फ्रॉम दिस पॉइंट बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप आते हो तो गो ऑल द वे जितना आप हो सकते हो। अभी वी आर हेडिंग टू पुष्पावती रिवर बेड। सो पुष्पावती रिवर बेड को हम वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक का एंड पॉइंट कह सकते हैं। एडवांस ट्रैकर उससे भी आगे जा सकते हैं पर फॉर मोस्ट पीपल इट्स द एंड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। तो अब आइडिया ये था कि वैली को पूरा एक्सप्लोर करते हुए लास्ट में पुष्पावती रिवर बेड पहुंचना है। सो दीज बेरीज आर पॉइजनस बेरीज, ये मुझे बता रही है लोकल ही है। मैडोस को बुग्याल बोलते हैं उत्तराखंड में। सो ये पूरा आप बेसिकली जो देख रहे हो ये बुग्याल ही है। जैसे वो क्लाउड आएगा ना, वो क्लाउड जो है ना बेसिकली वही ऊपर आने वाला है अभी। ये कौन सा फ्लावर है सर, ये वाला, ये क्या है? ये पॉलीगोनम वैली में फैल रहा है। अच्छा अभी फैल रहा है, डैमेज कर रहा है और फ्लावर्स को। अच्छा ऐसा है, पूरा देखो ना व्हाइट पूरा वही है पॉलीगोनम। अच्छा ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है पूरा। अच्छा यहाँ के जो फ्लावर्स हैं उसमें बहुत सारे फ्लावर्स मेडिसिनल और आयुर्वेदा और इन सब यूज होते हैं, ज्यादातर मेडिसिनल है यहाँ पे फ्लावर्स। ये मौसम में उन्होंने पहले बता दिया कि आपको इतने फूल नहीं मिलेंगे। बेस्ट टाइम जो बताते हैं वो बताते हैं फर्स्ट टू वीक्स ऑफ अगस्त और अगर एक विंडो और लेनी है तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई। बहुत सुंदर लग रहा है ये, लुकिंग वेरी प्रिटी मैन। तो मैंने कृष्णा भाई ने जैकेट पहन लिया क्योंकि बारिश की वजह से और गीले कपड़ों की वजह से ठंड लग रही थी। बेस्ट थिंग भाई साहब, ये लोग सब आर्मीज हैं, फुल सेटअप के साथ आए हैं। सही है। दिस प्लेस वॉज डिस्कवर्ड बाई 3 माउंटेनियर्स, वो ब्रिटिश माउंटेनियर्स थे, वो गए थे एक्सपीडिशन ऑफ माउंट कैमाइट। तो जब वो वापस लौट रहे थे एक्सपीडिशन से तो वो भटक गए थे रास्ता एंड देन वो पहुंच गए थे वैली ऑफ फ्लावर्स। तो उसमें से एक जो माउंटेनियर था फ्रैंक एस माइथ, ये 1931 की बात है सारी, उसने इस जगह को नाम दे दिया वैली ऑफ फ्लावर्स और उसने बुक भी लिखी वैली ऑफ फ्लावर्स। अभी आपको मैंने एक मिनट पहले दिखाया था कि ये बादल वैली में आ जाएंगे, भाई साहब ये आ गया, यहाँ आ गया। वी टुक अ लिटिल डिटोर from the main trail to see this particular place. In loving memory of John Margaret Legge, 1939 में she passed away. She was a British botanist. वो Valley of Flowers में basically plants को पढ़ने आई थी and then किसी दिन she was collecting some flowers और किसी boulder पे वो jump करते करते कहीं जा रही थी, slipped and she died. फिर उनकी sister उनको ढूंढने आई and she found her dead. तो उनकी सिस्टर ने उनकी मेमोरी में एक ग्रेव बनाई है। हम पुष्पावती रिवर बेड के पास आ गए थे एंड इस टाइम तक मौसम बहुत खुल चुका था और आई शुड से ऑलमोस्ट पूरा ही खुल चुका था। जूते गीले हो गए यार वापस से। जो लोग उस केव से वापस लौट गए ना, आई फील सैड फॉर देम क्योंकि उन लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया। ऐसे चलने की फील अलग है, ये व्यूज की फील अलग है, थोड़ा सा पेशेंस रखते और आगे आ जाते ना मजा आ जाता। अगर आप ये सिचुएशन में हो पीछे मत पलटना, चलते रहो, नेचर आपके लिए वेलकम करेगा आपको। ये देखो यार फील ही अलग है, कहाँ से जा रहा हूँ मेरे को पता ही नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा आगे तो भाई, बट मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। एक चीज़ आप नोटिस करना है, यहाँ छोटे छोटे फ्लावर्स और पौधे हैं, इस जगह से ट्रीज चालू हो रहे हैं। यहाँ पे ना एक अलग सी खुशबू है, एकदम मीठी सी खुशबू आ रही है यहाँ पे। जिन लोगों ने ये पूरा रास्ता बनाया होगा, ये पत्थरों से पेव किया है, कितना टाइम कितनी मेहनत लगी होगी। फाइनली पहली बार मुझे पुष्पावती रिवर बेड अपनी आंखों से दिखा। फाइनली वी हैव रीच्ड द पुष्पावती रिवर बेड। ये जो आप पीछे देख रहे हो ना दैट इज अ जंगल, यहाँ पे दैट इज अ ग्लेशियर, सही में ग्लेशियर है। एंड नाउ इट वॉज टाइम फॉर अ क्विक लंच ब्रेक। So this is our lunch for the day. Paratha, achar. You know, पहले मैं अपने बारे में श्योर नहीं था if I fall in the category of a nature lover. But Valley of Flowers trek के बाद मैं certainty से बोल सकता हूँ that yes, I am in love with the mother nature. My respect for our mother nature also increased immensely. जहाँ भी मैं नजर डाल रहा था, I was just mesmerized by the beauty. I really felt like कि मैं जन्नत में घूम रहा हूँ। मैंने Valley of Flowers सिर्फ अपने कैमरे में ही नहीं पर अपने सोल में भी कैप्चर करी। आज भी जब मैं आंखें बंद कर वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में सोचता हूँ, आई कैन क्लियरली विजुलाइज द ब्यूटीफुल इमेजेस आई कैप्चर्ड विद माय वेरी ओन आईज। एंड टू सम अप माय वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रिप, जब मैं और कृष्णा भाई रिवर बेड के किनारे बैठकर अपना छोटा सा लंच कर रहे थे, तब हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर आज
इस तेज बारिश की वजह से हम आधे रास्ते रिटर्न कर जाते तो शायद हम हमारी लाइफ में कभी ये ब्यूटीफुल वैली अपनी आंखों से शायद देख ही नहीं पाते। मदर नेचर टुक आवर टेस्ट वेदर वी डिजर्व्ड टू स्टेप फुट इन दिस ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ हर्स। आई प्रॉबली थिंक वी पास द टेस्ट एंड विद फ्लाइंग कलर्स। दोस्तों, इस दिन एक बहुत खूबसूरत लाइफ लेसन सिखाया मुझे मेरी मदर नेचर ने।